हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ग्लैम्स ऑन। कैसे आप सब? होपफुली आप सारे बेटर होंगे। सो आज मैं बात करने वाली हूँ मामा अर्थ के प्रोडक्ट की, जो करंटली मैं इस ब्रांड की फैन हो गई हूँ। लिटरली गाइस, इसका सनस्क्रीन यूज़ किया मैंने, इसका फेस वॉश यूज़ किया मैंने, इसका फेस मास्क यूज़ किया, एंड लिटरली मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला फर्स्ट टाइम में ही। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मामा अर्थ की अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन विद कैरेट सीड एंड टर्मरिक। बहुत ही बेस्ट इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, एंड सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि ये SPF 50 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इतना ज़्यादा, इतनी तेज़ धूप होती है। आई एम लिविंग इन दिल्ली, एंड दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल रहता है। तो इतनी ही अपर लेवल की ह्यूमिडिटी, इतनी ही अपर लेवल की यहाँ पे गर्मी है, धूप है, जिससे हमारे स्किन पे टैनिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप सनस्क्रीन स्किप करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आप सनस्क्रीन वगैरह स्किप बिल्कुल मत कीजिए। आप कभी भी बाहर जाते हो, इवन आप घर पे ही क्यों ना हो, जस्ट आपको फेस वॉश करके, टोनर करके, मॉइस्चराइज करके सनस्क्रीन ऑफ कोर्स यूज़ करना ही है। सनस्क्रीन से ना आपकी जो टैनिंग की प्रॉब्लम होती है उसको दूर हो जाती है। तो बात करते हैं, ये मामा अर्थ का प्रोडक्ट है, ये मिनी वाला प्रोडक्ट है। मैंने सोचा क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, एंड ऑयली स्किन वालों के लिए फेस वॉश हो, क्रीम हो, एंड सनस्क्रीन हो, ये सब पिक करना, एक बेस्ट वन पिक करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हम कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स ले लेते हैं जो कि ऑयली स्किन वाले यूज़ करने के बाद उनकी स्किन बिल्कुल ऑयली हो जाती है, तिक्की हो जाती है। तो मैंने सोचा पैसे क्यों वेस्ट करना इसका बिग वन लेके, मैंने सोचा कि इसका स्मॉल वन लेते हैं एंड इसको ट्राई करते हैं। अगर ये बेस्ट हुआ मेरी स्किन पे, मेरी ऑयली स्किन पे, तो मैं इसका बिग वन भी परचेज करूँगी। एंड मैंने ऑर्डर कर दिया है बिग वन के लिए, जो कि जल्दी ही मुझे डिलीवर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस प्रोडक्ट की। मामा अर्थ अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन विद कैरेट सीड एंड टर्मरिक SPF 50 फॉर सन प्रोटेक्शन। एंड मामा अर्थ के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री होते हैं। 25 ग्राम है, एंड ये मुझे 99 का मैंने इसको परचेज किया था। तो अगर ड्राई स्किन वाले इसको विंटर में ट्राई करते हैं, सो आप मेक श्योर रहो कि आप अपने मॉइस्चराइजर के साथ इसको मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करो। सो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट सनस्क्रीन है, नॉन ग्रीसी है। हम जब भी सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, काफ़ी सनस्क्रीन ऐसे होते हैं जो अप्लाई करने के बाद एक वाइट लेयर छोड़ देते हैं एंड बहुत ज़्यादा केली हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। गर्ल्स और ये स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन, अगर आप एक बेस्ट सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो विथ SPF 50, बाय इट, बहुत अमेजिंग है। इसलिए मैं तो अपने स्किन पर अप्लाई करती हूँ। फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, आप तो लोगों को बहुत पसंद आएगा। जिस मैं इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करूँगी, मैंने अप्लाई कर दिया। लिटरली गाइस, बहुत लाइट वेट है, मुझे बिल्कुल भी चिप चिप नहीं लग रहा। एंड मेरी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है, सो मैंने इसे पहले भी यूज़ किया है, इसलिए मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी चिप चिप नहीं है। आप इसको अप्लाई करने के बाद प्राइमर यूज़ करो एंड देन गो फॉर इट विद अ फाउंडेशन। तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, मुझे तो मामा अर्थ का लाइट सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा आया पसंद है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो, होपफुली आपको आया होगा पसंद। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही मेरी अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। भूलिएगा नहीं, प्लीज़। बाय।